बहुत कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर नेता जनता के बीच लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान सिवान के कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सगुरिया कोठी विधानसभा से राजद के भावी प्रत्याशी रामायण चौधरी ने रविवार को जामो क्षेत्र में दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया, जहां गुरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के भादा पंचायत के डुमरी गांव में लोगों ने रामायण चौधरी का भव्य स्वागत किया। वहीं जनता इस बार गुरिया कोठी में बदलाव के मूड में है। रामायण चौधरी ने भी जनता से एक बार मौका देने की बात कही और नेता नहीं बेटा चुनने की अपील की। वहीं जनसंपर्क के दौरान रामायण चौधरी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच तिरपाल का वितरण भी किया। हमारे पिताजी किसान हैं, इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता, मैं नेता रहूं ना रहूं, मेरा यह जो कार्य चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक मेरा आँख खुला रहेगा। इतने लोग हैं यहाँ के, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं यहाँ से अगर विधायक के रूप में तो नहीं जाऊँगा, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं चुनाव जीत कर जाऊँगा। मुद्दा वही है, सबसे पहले हम लोग बाढ़ग्रस्त से बचाएं और यहाँ जो जिला का हमारा जो नेटवर्किंग है, दूरी है, वो 40 किलोमीटर दूर है। उसके लिए मैं स्वास्थ्य की व्यवस्था करूँगा। हमारे इस विधानसभा में जितने रोड हैं, नली है, गली है, सबको मैं चारों तरफ से जोड़ दूँगा। जो हमारे यहाँ के जितने लोग हैं, आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। आ जो हमारे क्षेत्र की बात रहा बिजली वाला, तो मैं एक प्रोजेक्ट लाऊंगा बाहर से इंजीनियर अपने क्षेत्र के लिए। उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं एक मैपिंग कराऊंगा। आ जो भी पोल और तार जो भी होगा, वो जो हमारा प्रोजेक्ट जो मैपिंग रहेगा उसके थ्रू लोग काम करेंगे। उसके लिए हम लोग जनता है, हम लोगों को हर साल 5 साल पे चुनाव होता है, हमेशा आशा दिया जाता है, हमेशा आशा दिया जाता है यहीं कि हम आएंगे तो विकास होगा, इस बार विकास होगा, और हमेशा जनता को हमेशा निराशा का सामना करना पड़ता है। हमारा देश का आज़ादी हुए आपको 74 साल हो गया, फिर भी हम लोग हमेशा गुलाम, अभी भी गुलाम है, कभी किसी नेता का तो कभी किसी नेता का, आज भी हम लोग गुलामी झेल रहे हैं। इसका मुख्य वजह है कि हम लोग नेता को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को हमेशा इसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम लोग इस बार के जनता, जो कि बिहार का आपको तुरंत ही इलेक्शन होने वाला है, तो हम लोग इस बार मूड बनाए हुए हैं कि इस बार की सरकार को चेंज करना है। पूरा कंडीशन है अभी कहा कि आपको यहाँ एक भी अगर कोई किसी भी मरीज अगर यहाँ हो तो वो अपना ब्लॉक में अपना जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें इलाज नहीं करा सकता है, सिर्फ बुखार का दवा दे सकते हैं, बाकी सब आपको उसके बाद लिए सिवान ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इस बार के जनता यहाँ के किस तरह का विधायक चुनिएगा, इस बार हम लोग अपना विधायक चेंज करेंगे और नए विधायक आपको लाएंगे। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।